बहुचर्चित विशाल मिश्रा हत्याकांड में मुख्य आरोपी सुमित सिंह परिहार के घर के अवैध हिस्से को आज प्रशासन ने अतिक्रमण मारते हुए शुक्रवार की दोपहर को तोड़ दिया। हम आपको बता दें, बहुचर्चित विशाल मिश्रा हत्याकांड में फिलहाल 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मुख्य आरोपी का मकान तोड़ दिया गया है। अब मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस इनाम की घोषणा भी करने की तैयारी कर रही है। रीवा में पिछले दिनों हत्याकांड में 3 आरोपी शरद मिश्रा, प्रत्यक्ष सिंह, निकेश सिंह को गिरफ्तार करने के बाद रीवा जिला प्रशासन ने मुख्य आरोपी सुमित सिंह परिहार की तलाश में लगातार छापेमारी की। जब वह नहीं मिला तो उसके पिता के मकान हंसराज सिंह और मुन्ना सिंह परिहार के मकान के अवैध हिस्से को, जो नगर निगम की बगैर मंजूरी के बना था, उसको अतिक्रमण माना और आज शुक्रवार की दोपहर को उसको तोड़ दिया। इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। रीवा में इस तरीके की पहली कार्रवाई हत्या के मामले जिस तरीके से जिला प्रशासन ने की है, उसको लेकर आज पर चर्चा रही इसी बात की, मकान तोड़ा जाएगा नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन अब मकान का अवैध हिस्सा तोड़ा जा चुका है। पुलिस बल की मौजूदगी इस दौरान नजर में आई, साथ ही स्थानीय लोग भी काफी संख्या में मौजूद थे, लेकिन प्रशासन को किसी भी तरीके का विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। सुमित सिंह का पूरा परिवार इस हत्याकांड के बाद अपने घर से फरार है। फिलहाल अमहिया पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़कर न्यायालय में पेश किया है। पिछले दिनों काल मिश्रा के मौत के बाद उसके पिता ने, उनके परिजनों ने रीवा के व्यस्ततम अस्पताल चौराहे के पास, जहां पर दिन भर जाम की स्थिति होती है, जाम लगा दिया था। उनका कहना था, जब पेशाब को लेकर किसी का मकान तोड़ा जा सकता है तो ये तो हत्या है। पेशाब करने से हत्या बड़ा अपराध माना जाएगा या नहीं जाएगा, उनके पिता इस तरीके की सवाल को भी लगातार उठा रहे थे। लेकिन आज विशाल मिश्रा के पिता की उस मांग को प्रशासन ने पूरी कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था, अपराधी जिसने मेरे बेटे की हत्या की है उसके मकान को तोड़ा जाए अगर वो गिरफ्तार नहीं होता है। फिलहाल सुमित सिंह की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अब पुलिस उसके ऊपर इनाम की भी घोषणा करने की तैयारी कर रही है। इस मामले में रीवा के एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने साफ तौर से कहा, हमने नगर पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में एक टीम का गठन किया है, नगर पुलिस अधीक्षक उस टीम का नेतृत्व कर रही है, अगर जल्द अपराधी नहीं पकड़ा गया तो हम उस पर इनाम भी घोषित कर देंगे। फिलहाल एक बड़ी खबर रीवा के गलियारों से निकल कर सामने आ रही है, जिसमें विशाल मिश्रा हत्याकांड के आरोपियों के मकान को सुमित सिंह, जो मुख्य आरोपी था, उसके मकान को तोड़ दिया गया है। विशाल की मौत गोली लगने से हुई थी, उसके कमर में सटा कर सुमित सिंह ने गोली मारी थी। अपने ही घर में अत्यधिक खून बहने की वजह से विशाल की मौत हो गई थी। इस बारे में हमने नगर पुलिस अधीक्षक और SDM रीवा से बात की, सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। ये जो कि नगर निगम ने चिन्हित किया है, जो कि अवैध निर्माण था, जिसको अभी ध्वस्त किया जा रहा है और अवैध निर्माण के आधार पर ही कार्रवाई की जा रही है। ये हंसराज उर्फ मुन्ना सिंह परिहार के द्वारा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत जो अवैध निर्माण किया गया है उसको तोड़ने की कार्रवाई आज की जा रही है। इस पूरी कार्रवाई में नगर निगम के जोनल अधिकारी सहित पुलिस बल और राजस्व का अमला मौजूद है यहाँ पर। ये अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई है। यदि बिना मंजूरी के नगर निगम के निर्माण कर लिया गया है तो ये नियम विरुद्ध पाए जाने पर कार्रवाई की जा रही है।